अलकम मेरा नाम नादिया रमजान चौधरी है एंड पाकिस्तान तरीक़ानसाफ़ एंडरान खान सेक्रटेट के साथ काम करती हूँ तो मेरा सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो आने वाली इलेक्शन है पाकिस्तान के लिए ऑबियसली मैं समझती हूँ कि जो आपकी कम्यूनिटी की वैलीज़ हैं इंसाफ और इक्वाली और फ्रीडम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं इस तरीक़ के साथ तो आई वुड लाइक टू नो कि आप पर्सनली किसको वोट uh, देंगे और आप एडवाइस किसको करेंगे बात ये है पहली बात तो ये बताऊँ आप तरीके इंसाफ किए हैं चंद दिन पहले इमरान ख़ान साहब ने बयान दिया हुआ था कि नवाज़ शरीफ ने और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी ने बारी मुकर की है एक दफ़ा वो आएगा एक दफ़ा वो आएगा आपके अखबार में छुपा दो हैं ये तो हाल है सियासत का आपके लीडर के हम्म। दूसरा सवाल ये है कि हम किसको वोट देंगे ठीक है अगर हमारा वोट हो हैं तो हम हर उसको देंगे जो मुल्क से का खैर खा और इंसाफ पसंद है अब अब यह सवाल करेंगी कि तुम्हारा वोट क्यों नहीं है हैं ठीक हमारा वोट इसलिए नहीं है कि आपकी इलेक्टोरल लिस्ट जो है उसमें आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दी हुई है कि ये मुस्लिम ये नॉन मुस्लिम हैं और उसमें भी बाकी नॉन मुस्लिम जो हैं वो तो इकट्ठे आ जाते हैं अहमदियों को बिल्कुल ही हीदा कर दिया उसमें से कि अहमदी नॉन मुस्लिम लिखें और फिर वोट दें जब हम कहते हैं लाला मोहम्मद रसूल ला तो हम क्यों लिखें इसलिए हम कहते हैं वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते ठीक जब हम कलमा पढ़ते हैं तो उसके बाद हम क्यों डिक्लेयर करें अपने आप को कि हम गैर मुस्लिम हैं इसलिए फॉर द पर्पज़ ऑफ़ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ अल्फाज हैं आपके लॉ का चौहत्तर के लॉ का कि एम दीज आर डिक्लेयर नॉन मुस्लिम नॉट मुस्लिम नॉन मुस्लिम इन नॉट मुस्लिम है पाकिस्तान तो 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 तरीक जब के... आपकी तरीके इंसाफ बनी है उस वक्त मैं पाकिस्तान में था जी। और आपने पूछा कि तो मैं बता देता हूँ सारों के सामने ही और मैं वहाँ अहमदिया पाकिस्तान का हेड था नाजरे आला था उस वक्त इमरान खान साहब ने एक साहब को भेजा मेरे पास कि हम नई पार्टी बन रहे हैं हमें अब नए इलेक्शन में वोट दें हमने कहा ठीक है आप बड़े इंसाफ पसंद हैं अल्लाह ताला वो कामयाब करे और जहां तक वोट का सवाल है हमारे पास तो वोट है कहा नहीं आप दें तो आइंदा फिर हम असम्बली में जाएंगे तो फिर आपका हक होगा मैं कहा एक पहली बात तो यह है कि किसी को इतनी ज़रूरत ही नहीं है मौलवी के खौफ से कि इस कानून को रिपील करे आप रिपील नहीं कर सकते इस जो कानून बन चुका है राइट right? दूसरा ये है कि पहले आप इसम्बली में आएँ आपकी आवाज़ हम सुनेंगे देखेंगे कुछ है भी तब तो हम वोट देंगे हमने तो, तो आप तो तजर्बा करना है पॉलिटिशन को पहले हमें क्या पता भूटो साहब को हमने वोट दिया था उन्होंने हमें गैर मुस्लिम बना दिया हैं है? जो मैनिफेस्टो तो है उसमें तो मैनिफेस्टो तो है किस किस पार्टी का मैनिफेस्टो ये है कि जो कि पाकिस्तानी शहरी के हैसियत से डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए किसी पार्टी का है लेकिन वो तो पावर में हो के कर रहे हैं तो फिर आप भी पावर में आएंगे तो हम इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आपने इंसाफ किया तो हम अगला वोट आपको दे देंगे थैंक <laughs> यू <Thank you. laughs>